हुक्म भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, फिट है? हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? बस सर अभी सैलरी आएगी तो पहनेंगे ना यार। सैलरी का इंतजार कर रहे हैं? हजार रुपया जुर्माना होता है ना आपको यार? वो तो ठीक है, इनको भी चाहिए ना सैलरी पे ये करते। लो जी सैलरी आएगी तो भाई फिर हेलमेट खरीदेंगे। भाई क्या हाल है? ठीक है आप? आपको पता है कानून कहता है कि दोनों बंदों को हेलमेट पहनना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं पहना हुआ? बस गलती हो गई। गलती हो गई। चलिए मुझे दूसरा आप ये बताएं कि यार गलती को तस्लीम कर लिया आपने, अच्छी बात है। 10 रोड की लाहौर की सड़कें हैं जिन पे स्पीड लिमिट आपकी मुख्तस हो गई है जी, आपने 60 से ऊपर नहीं जाना या कैनाल 70 से ऊपर नहीं जाना, ये कैसे एग्जाम है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलान आपकी खा रहेगा? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हेलमेट पहनेंगे आप ऐसे? इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका। भाई आपने क्यों नहीं पहना हेलमेट, क्या हाल है? आज ही नहीं पहना। आज ही आपको 1000 रुपया ठुकेगा फिर। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि स्पीड जो लिमिट है ना वो एक कर दी गई है मुख्तस, इसे कहते हैं जी जी। आप माल पे अगर 60 से ऊपर जाएंगे तो आपके चलान हो जाएगा, जेल रोड पे 60 से ऊपर जाएंगे चलान हो जाएगा, ये कैसा निज़ाम है? सर बिल्कुल मेरे ख्याल में स्पीड लिमिट जो है ना उस पर होना चाहिए। होना चाहिए जी बिल्कुल। अब हेलमेट कब खरीदेंगे आप? हेलमेट सर मेरा घर पड़ा हुआ है तो सारे यार घर क्या फ़ायदा रखने का। आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी बात है। आपने सीट बेल्ट भी बनी हुई है जी। अब एक कानून तो खैर पहले से मौजूद है, अब स्पीड लिमिट जो है ना वो मुख्तस कर दी गई है कि अगर माल से आप 60 से ऊपर जाएंगे चलान हो जाएगा, अगर सीट बेल्ट नहीं होगी चलान हो, कैसे इकदाम है ये? अच्छे इकदाम है ये, हमारे लिए इकदाम बने। चलें जी बहुत शुक्रिया, इशारा खुल गया जी। भाई कैसे हैं आप जी? ठीक हैं यार। देख लें मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप? क्यों यूज़ कर रहे हैं? इतना खास कुछ नहीं था, अलाउड नहीं है मोबाइल यूज़? नहीं ड्राइविंग तो नहीं कर रहा इस वक्त फिलहाल, सिग्नल पे रुका कर रहे हैं आप? सिग्नल पे रुका हूँ ना भाई जान। चलिए मुझे ये बताएं स्पीड फिक्स कर दी गई है मॉल रोड पे और जो आम शहर आए हैं इस तरह बड़ी कैनाल रोड पे जेल रोड पे कि आप 60 से ऊपर जाएंगे चलान हो जाएगा, लोग करते हैं ओवर स्पीडिंग? जी होती है, बिल्कुल होती है। अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, के अंदर ही गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। मोबाइल फोन ना यूज़ किया करें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपने हेलमेट क्यों पहना हुआ वैसे? सर अपनी सेफ्टी के लिए। बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पहनना चाहिए हेलमेट। मुझे अब ये बताएं कि स्पीड मुख्तस कर दी है, फिक्स कर दी है कि मॉल रोड पे 60 से ऊपर नहीं जा सकते? मॉल रोड के अलावा जहाँ पे भी ट्रैफिक है वहाँ पे 60 से अब नहीं कर दी है। 10 आम शहर आए हैं लाहौर की। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इंसान की जिंदगी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इंसान की गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है। बात यह है कि ये हमारे शहरियों का फर्ज बनता है कि वो उसको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। बिल्कुल शहरियों का फर्ज बनता है जी, बड़ी अच्छी बात कर दी। शहरियों का फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का ही अच्छा एकदम है। अब आपने इम्प्लीमेंट खुद से करना है अपने आप पे। हेलमेट पाया करो जी तुसी। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक आपने? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट क्यों नहीं पहना यार? हेलमेट मैंने लिया नहीं, नहीं लिया। 1000 रुपया ठुक जाएगा अभी आपको। अच्छा कुछ कर लेते हैं। चले एक तो ये एकदम हो गया, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताएं कि लाहौर की 10 आम शहर आए हैं जिन पे स्पीड लिमिट फिक्स कर दी गई, कैसे एकदम है? फिक्स कर दी गई है? हाँ। अच्छा 60 से ऊपर नहीं जा सकते? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। नाज़रीन सिग्नल खुल गया तो हम भी खलल डाल रहे हैं लोगों की ट्रैफिक में, थोड़ा सा साइड पे हो जाते हैं हम लोग। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है। मुझे आप ये बताएं, सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि लाहौर की 10 सड़कें हैं जिन पे स्पीड जो है वो फिक्स हो गई है कि आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते, कैसे एकदम है गवर्नमेंट का ये? बहुत अच्छा। आप तो नहीं करते ओवर स्पीडिंग? नहीं बिल्कुल, अगर मैं भी करता हूँ तो फिर मैं भी नहीं करूँगा। नहीं करेंगे? हाँ डेफिनेटली। बड़ी अच्छी बात है मानने की जी, अच्छा एग्जाम है ये। भाई क्या हाल है? हेलमेट क्यों पाया? हेलमेट सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए पहना है, इसको भी समझाओ। भाई क्या हाल है? ये क्या है? फैशन कैप है। कैप है, इसकी जगह अगर हेलमेट पहनना होता आपने ज़्यादा मुनासिब नहीं था जी? सर वही पहने हैं। ठीक है, पहनोगे? पक्की बात है? पक्की बात है। आपने हेलमेट भी पहनना है, लाइसेंस भी आपके पास होगा, है लाइसेंस। अब ये देखें कि लेन वो है और आपने यहाँ से अंदर लाके घुसा दिया, ये देखें ना वो लेन है ना यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक के अंदर तो आपको चाहिए नहीं कि पीछे खड़े हो थोड़ा सा पीछे? एक मिनट लेट हो जाएंगे आप, पीछे गाड़ी वाला भी मार देता हूँ। क्यों मार दे गाड़ी वाला, ये खड़ा है पीछे? बता के मारना, मैं मारने लगाऊँ? मतलब गलती नहीं माननी आपने? गलती तो है वो तो, यही तो मैं कह रहा हूँ, गलती तो माने ना फिर। आप ये देखें भाई हमारे एक और आ गए, इधर आए जी आगे आए। भाई क्या हाल है यार? आपने हेलमेट नहीं पहनना, लाइसेंस है आपके पास? नहीं, लाइसेंस भी नहीं है जी। और उत्तों इधर वाले आके इधर बांट दे पे हो गड्डी, ऐसे क्यों नहीं खिला रही?
جواب نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نا لاہور کی جو 10 سڑکیں ہیں نا اس پہ جو اسپیڈ آپ کی وہ فکس ہو گئی ہے کہ آپ 60 سے اوپر نہیں جا سکتے. 60 سے اوپر نہیں جائیں. 40 سے 60 کیسا ایگزام ہے یہ؟ بہت اچھی بات ہے. یہ پتہ لگ گیا نا؟ بہت اچھی بات. ہاں یہ تو نوٹ بک پہ دیکھ رہے ہیں نا, بورڈ پہ آ رہا ہے. اور ہیلمٹ بھی میں نے, ہیلمٹ بھی اسی پہ پڑھا ہے. ایسا نہ کریں, ابھی پڑھا ہے ہیلمٹ سے آفس سے نکلتے ہیں. اصل میں گاڑی زیادہ ڈرائیو کرتا ہوں, موٹر سائیکل کم ڈرائیو ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, مطلب آپ 40 سے اوپر 60 سے اوپر نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بھائی. کیسے ہیں یار؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ میں ہیلمٹ لینے ہی جا رہا تھا. ہیلمٹ لینے جا رہے ہیں؟ میرا کیونکہ چوری ہو گیا ہیلمٹ. اچھا, وہ ناظرین ایک یہ بھی فیکٹر ہے, ہیلمٹ چوری ہو گیا. وہ جب اصل میں ہوتا یہ کہ جب اس طرح کی کوئی پابندی لگتی ہے نا تو ایک تو ہیلمٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور دوسرا چوری ہو جاتا ہے. چلے جی, پتا نہیں اب یہ چور کون ڈھونڈے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور اقدام ہے وہ یہ کہ لاہور کی 10 سڑکیں ہیں, ٹریفک اس پہ جو اسپیڈ تھی وہ فکس ہو گئی ہے, آپ 60 سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں. کیسا اقدام ہے یہ؟ بہت اچھا ہے. بہت اچھا اقدام ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. آپ تو نہیں جائیں گے 60 سے اوپر؟ میں تو 50-40 میکس لمٹ ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. عجیب تو کی پایا تھے موبائل دے لو, تم موبائل یوز کرتے پہ ہو. ہاں جی, کرنا چاہیے تھا. کھلوتے نہیں کرنا چاہیے, کھلوتے کرنا. کھلوتے بھی نہ کرو تھوڑا سا, سارے تو کھلوتے ہو. تھی سارا لیکن آپ کی ہیلمٹ پہننا چاہیے, بالکل کوئی شک نہیں اس میں. کیوں نہیں پہن رہے آپ؟ بس جلدی میں نہیں پہنا. اب دیکھیں نا, آج سے 1000 روپے جرمانہ ہو رہا ہے, کیا فائدہ اس کا؟ آپ نے کہا تھا نہیں ہیلمٹ, کہتی ہیں آپ انہیں ہیلمٹ پہننے کا, کیوں نہیں مانتے؟ نہیں روز پہن کے جاتے ہیں, لیکن آج وہ بچی کو بٹھایا تھا اس وجہ سے. اب دیکھیں نا بچی, یہ بھی سیکیورٹی ہے, چوٹ اللہ نہ کرے چوٹ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا. بالکل آپ مانتے ہیں ہیلمٹ پہننا چاہیے, کوئی شک نہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ لاہور کی 10 سڑکوں پہ اسپیڈ لمٹ فکس ہو گئی ہے کہ 60 سے اوپر نہیں جا سکتے آپ, یہ کیسے اقدام ہے؟ اچھا اقدام ہے, بہت اچھا اقدام ہے. بیٹا آپ کہتی ہو پاپا سے ہیلمٹ پہننے کا؟ یس. کہتی ہو؟ آج پھر کہو میرے سامنے کو پاپا ہیلمٹ پہننا چاہیں. پاپا ہیلمٹ. اوکے. دیکھ بچی نے بھی کہہ دیا اور بھائی نے مال. بھائی کدھر کدھر گھسائی جا رہے ہیں آپ اتنی جلدی میں؟ نہیں ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلتی یار. نہیں چلتی بائک ہیلمٹ پہن کے, کوئی ٹھک دے آپ گر دیں سر پہ چوٹ لگ جائے. جو قسمت میں ملنا ہی ملنا. اچھا پھر ایک کام کریں نا, بائک سائڈ پہ لگا دیں آپ اور قسمت پہ کریں آپ بھروسہ, قسمت ہوگی تو آپ یہاں سے چلے دیں گے. ان کو سائڈ پہ لگائیں بھائی, دباؤں سائڈ پہ آپ کو. تو پھر کتنے بندوں کو لگائیں گے؟ مجھے اکیلے کو کہیں گے سب کو. جو بندہ یہ کہے گا نا قسمت پہ ہے اس کو لگائیں گے لائن. نہیں ویسے بائک پہ پہن کے, ہیلمٹ پہن کے بائک چلتی نہیں. کیسے نہیں چلتی؟ دیکھیں نا آواز فائدہ کا پتہ ہی نہیں. سنو تو صحیح, یہ کس لیے ہے؟ یہ جو انجینئرز ہیں جنہوں نے بائک ایجاد کی ہے, جو بھی آپ کہتے ہیں انہیں, یہ کیوں رکھی جگہ انہوں نے کہ آپ پیچھے دیکھیں؟ پیچھے دیکھ اس کو لگائیں نا بھائی, چلیں گے. نقصان اپنا تو خیال کریں, اپنی فیملی کا خیال کریں. آپ بتائیں بھائی. السلام علیکم. آپ نے بھی نہیں پہنا؟ وعلیکم السلام. ہیلمٹ نہیں پہنا وہ اس وجہ سے کہ ہم اکیڈمی سے آ رہے ہیں. تو اکیڈمی انہوں نے منع کیا ہے؟ نہیں. پابندی لگائی ہے؟ منع تو نہیں کیا. ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری 20 ہے. 20 ہے. دے لو اب ہیلمٹ نہیں پہنا. چلیں بائک تیز چلاتے ہو آستے چلاتے ہو؟ نہیں سلو چلاتے ہیں. سلو چلاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ مختص ہو گئی ہے, فکس ہو گئی ہے, کیا آپ 60 سے اوپر نہیں جا سکتے؟ فائن ہوتا ہے جی, جرمانہ ہو جاتا ہے. کیسا اقدام ہے یہ؟ یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا اقدام نہیں ہوگا. کوئی میسج دیں گے لوگوں کو؟ سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے, وہ بڑے طریقے کے ساتھ موٹر سائیکل گاڑیوں کو چلانا چاہیے. خاص طور جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ چمچی رکشہ, آٹو رکشہ, موٹر بائک بھی ہوتا ہے, کاروں کا نہیں ہوتا. کاروں کا بھی ہو جاتا ہے, ہونا ہو تو ہو جاتا ہے, کم ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اسپیڈ, ہاں جی اسپیڈ کی لمٹ یہ 60 کلو میٹر جو ہے نا, ٹھیک ہے, فالو کرنا چاہیے, یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ان کا یہ میسیج ہے جی کہ یہ جو اسپیڈ ایک مختص کر دی گئی, فکس کر دی گئی, کہ آپ ناظرین
40 जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए 40 है और जो लो ट्रैफिक है उसके लिए 40 है, तो उसके लिए 60 है। 60 से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, और अगर आप 60 से ऊपर जाएंगे तो आपका चालान होगा। और सेफ सिटी के जो कैमरास लगे हुए हैं पूरा लाहौर में, 8,000 से ज़ायद कैमरास लगे हुए हैं, उनकी मदद से आपको ढूंढा जाएगा, फिर आपका चालान किया जाएगा और सबूत के साथ आपका जो वो चालान आपके घर पहुंचाया जाएगा। तो बेहतर यही कि आप एक तो जो कवानीन अब जिन पर अमल दरामद कराया जा रहा है उन कानून पर अमल दरामद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है, हमारा फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो सिर्फ आपका है। अगर हम सोच रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम आपके लिए बात कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट इस पर बात कर रही है तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनके शहरी जो हैं वो महफूज रहें। तो फ़ायदा हर सूरत में आपका, चाहे हम बात करें चाहे गवर्नमेंट बात करे, कोई पॉलिसीज लेके आई जाती हैं या कोई नया कानून लेके आया जाता है, सिर्फ आपके लिए लेके आया जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करें। भाई कैसे हैं, पहले तो पीछे करें ना अपने भाई, आपको नहीं पता ये लाइन से आगे नहीं आते? पता है, तो फिर आगे क्यों आए हैं? जल्दी है बांधे यार, आगे खड़ा होना, तो खड़े तो आप आगे भी हैं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क होगा इससे, थोड़ी ब्रेक में टाइमिंग ज़्यादा लगे, ऐसे ना करें आप। चलो मुझे ये बताएं, हेलमेट आपने आगे रखा है, पहना क्यों नहीं? गर्मी की वजह से इसका क्या हाल है? आप इसका यही हाल है कि आगे जाके पहन लूँगा जब जहाँ भी सर्दी आएगी, जब सर्दी, तो फाइन तो हो जाएगा आपको ऐसे। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि स्पीड लिमिट फिक्स हो गई है क्या? आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, 60 से ऊपर जाएंगे आपको हो जाएगा फाइन। कैसे एग्जाम है? रुको भाई रुको जरा, नहीं अभी तो है, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। कैसे एग्जाम है? अच्छा एग्जाम है। चलें ठीक है, आप 60 से ऊपर ना जाना। भाई क्या हाल है? आप सुनाएं कैसे? किधर फिर रहे हैं? सर ये जरा काम जा रहे थे। यार हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट यार लिया नहीं अभी। क्यों नहीं लिया? टाइम ही नहीं मिल रहा, ड्यूटी इतनी होती है। फाइन हो रहे हैं आज सर, वो पता है 1,000 रुपया फाइन हो रहा है। तो कब लेंगे हेलमेट आप? टाइम मिल जाएगा हेलमेट ले लेंगे। आपको ये पता है कि दोनों बंदों के लिए हेलमेट जरूरी है पहनना, पता है आपको? नहीं। आपको कोई फिक्र नहीं है अपनी जान माल की? फिक्र तो है। तो ऐसे कैसे फिक्र करेंगे यार आप? मुझे ये बताएं, एक और एग्जाम है कि 60 से ऊपर आप बाइक नहीं चला सकते, स्पीड जो है आपकी, ये कैसा एग्जाम है? सही है, ठीक है, राइट है उनका, नहीं आपकी हिफाजत के लिए ना, नहीं चलानी चाहिए 60 से ऊपर, आप बताएं। सही कह रहे हैं, हम नहीं चलानी चाहिए, बंदा अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए तो कौन जिम्मेदार? ये हेलमेट की जिम्मेदारी भी बनती है आप दोनों जाएं हेलमेट खरीदें, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया आपका।